स्थगित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा जनवरी 13। और मैं यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपने पास खींचूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 32 पद। यहाँ प्रभु अपनी मृत्यु और मृत्यु पर अपनी विजय की बात करते हैं। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 24 पद। अब यह एक सरल और अद्भुत सत्य है जिसे समझने के लिए किसी शिक्षा या बाइबल के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम सब ने गेहूं के दाने को मरते और बहुत फल लाते देखा है। अच्छी मिट्टी और अच्छे पानी के साथ गेहूं का एक दाना लगभग 5000 दाने पैदा कर सकता है। फिर अगर आप अगले साल इसी अनाज को बोते हैं और जो अगले 5 साल तक पैदा होता है उसे बोते चले जाते हैं तो आपके पास अनाज से भरी एक पूरी लंबी मालगाड़ी होगी। प्रभु यीशु मसीह गेहूं का वह दाना है। वह बहुत से पुत्रों को अपनी स्वर्गीय महिमा में लाने के लिए मरा और उन पुत्रों से सारा स्वर्ग भर गया। यह सारी शक्ति आपके और मेरे लिए तब तक खुल गई थी जब तक वह मारा और गाड़ा गया और फिर से जी उठा। यदि गेहूं के एक दाने में इतनी शक्ति है तो सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह में कितनी अधिक शक्ति है। कोई मनुष्य उसे छू नहीं सकता था। जब वे गस्समनी के बाग में उसके पास आए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 4, 6 और 7 पद, हमारे प्रभु यीशु ने कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, नासरी यीशु को। और उसने कहा, मैं ही हूँ। यह सुनते ही वे पीछे हटकर नीचे गिर पड़े। वे उसे छूने से डरते थे। उसने अपने आप को सौंप दिया कि हम जयवंत से बढ़कर हों। वह किसी शहीद के रूप में नहीं मरे। उन्होंने पूरे विश्व में सर्वोच्च शक्ति को हमारे अंदर लाने के लिए खुद को त्याग दिया और वह शक्ति अब आपको दी जा रही है। क्या वह शक्ति आप में आ गई है? क्या यह आप में काम करता है? क्या आप हर दिन उसी शक्ति के साथ ऊंचे और ऊंचे उठाए जा रहे हैं? क्या आप अपने आप को कष्टों, अत्याचारों, परीक्षाओं और गरीबी में आनंदित पाते हैं? रोते हुए मसीही को मसीही कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी मनुष्य में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। रोमियो के पत्री 8 अध्याय 9 पद। फिर से, जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद। हम में अपनी शक्ति और जीत दिखाने के लिए परमेश्वर ने इन 7 गुना क्लेशों, प्रलोभनों, परीक्षाओं, अकाल, तलवार, कष्टों और अत्याचारों का वायदा किया है कि जब दूसरे रोना और रोना शुरू करते हैं तब हम जयवंत से बढ़कर हो सकते हैं।